दोस्तों ये है सैमसंग का गैलेक्सी F15 और बजट फ़ोन होने के साथ साथ इसमें गैलरी में आपको जो फोटो एडिटर मिलता है बिल्ट इन फोटो एडिटर सबसे बढ़िया मैं समझता हूँ, क्योंकि ढेर सारे कॉम्पिटिटर्स दूसरे ब्रांड्स भी अच्छे अच्छे गैलरी बिल्ट इन फोटो एडिटर एप्स आपको दे रहे हैं। वैसे में सैमसंग को भी कुछ करना था, बहुत ही अच्छा इन्होंने एक्चुअली अपडेट्स दिया है, अपडेट किया है और कैसे आप इसको एडिट कर सकते हैं बहुत ही अच्छा है। मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, क्या बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है सैमसंग का बजट फोन, अभी हम स्टार्ट करेंगे इसको, थोड़ा एडिट करेंगे आपको पता चलेगा। तो ये जो पेंसिल मार्क आप देख रहे हैं एडिटर है, बिल्ट इन फोटो एडिटर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, तो सेपरेट ऐप आपको इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एक फोटो मैंने यहाँ पर लिया है, तो पेंसिल मार्क टैप करते ही फोटो एडिटर पर जाते हैं। पहले चीज तो यहाँ पर 3 डॉट्स रिसाइज कर सकते हैं, लेट्स से पासपोर्ट साइज के लिए या फिर कहीं फॉर्म भर कर आप फोटो अपलोड कर रहे हैं, वहां पर आपको रिसाइज मतलब कम साइज वाला फोटोज पूछता है, तो यहीं से आप कोई भी फोटो को रिसाइज कर सकते हैं, कम MB भी कर सकते हैं। वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा रिसाइज टैप करने से, 80% 60-40% रिडक्शन कितना चाहिए उतना करके कम MB साइज में ये फाइल पा सकते हैं। तो नेक्स्ट है स्ट्रेटन, यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्ट्रेटन कर देगा एक्चुअली, तो फ्लिप भी कर सकते हैं ऐसे फ्लिप जो मिरर फ्लिप कहते हैं, एंड रोटेट यहाँ से आप कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। फ्री क्रॉप भी है, तो जैसे अपने को चाहिए वैसे हम यहाँ पर एडिट ऐसे कर सकते हैं। एंड ये पर्सपेक्टिव है हॉरिजॉन्टल, कभी कभार क्या होता है हम फोटोज खींचते वक्त थोड़ा पर्सपेक्टिव एंगल चेंज होता है, तो यहाँ से आप स्लाइडर मूव करेंगे तो सीधा कर सकते हैं, अगर वो ठीक से नहीं हुआ है तो यहाँ से आप बिल्कुल सीधा कर सकते हैं, वैसे ही ऊपर नीचे वर्टिकल है। उसके बाद जाते हैं फिल्टर्स, तो ढेर सारे फिल्टर्स ऑब्वियसली ऑफर करता है सैमसंग, लेकिन लोगों ने बनाया है अपलोड किया है वो भी आप यहाँ से, ब्यूटी फिल्टर्स हो, कोई भी फिल्टर्स हो, लैंडस्केप के लिए हो, कार्टूनिश हो, तो ढेर सारे यहाँ पर मार्केट में अवेलेबल है, वो डाउनलोड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं अपने फोटोज में। वैसे ही आप अपना ओन फिल्टर, जैसे मैं अभी एडिट कर रहा हूँ, सारा एडिट करने के बाद फिल्टर को सेव करके आप रख सकते हैं दूसरे इमेज के लिए, वही फिल्टर भी आप यूज कर सकते हैं। उसके अलावा ये तो डिफॉल्ट फिल्टर यहाँ पर है, उसका इंटेंसिटी कितना चाहिए वो भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पर, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये फीचर। नेक्स्ट हम जाते हैं बेसिक जो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से इन्होंने दिया है। पहले वन UI में इतना अच्छा नहीं था, थोड़ा स्लाइट टिंट पर हो जाता था, कोई भी कलर्स हो तो थोड़ा ग्रीनिश टिंट रहता था, अभी बिल्कुल नहीं है, बहुत ही अच्छा इन्होंने किया है। तो जैसे हम ब्राइटनेस, एक्सपोजर हो, कॉन्ट्रास्ट हो, वो कैसे एडिट कर सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा जो स्लाइडर है वो सारा चीज़ वर्क करता है, टिंट का रिलेटेड हो, कोई भी हो, इजीली आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। शार्पनेस, डेफिनेशन, जो डिटेल्स रहता है फोटोज में, देखिए आप ऐसे जूम करके देख भी सकते हैं कि ठीक से वर्क हो रहा है या नहीं, जैसे आप चाहते हैं। नेक्स्ट है ये कार्टूनिश या फिर स्माइली कहिए, यहाँ पर आपको ड्रॉ करने के लिए कुछ मिलेगा, ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, वेराइज कर सकते हैं या फिर ये पेंसिल से थोड़ा डिज़ाइन वगैरह कर सकते हैं, मोजाइक टाइल्स भी, ब्लर करना चाहते हैं किसी का फेस तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्टिकर्स, तो ढेर सारे स्टिकर्स अवेलेबल हैं यहाँ पर, तो ईजिली आप यूज़ कर सकते हैं, गैलरी से भी क्रिएट कर सकते हैं अपना अवतार जो कहते हैं, वो अवतार भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं स्माइलीज हो, कुछ भी हो, यहाँ पर अच्छी तरीके से ऐसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा अच्छा इन्होंने यहाँ पर दिया है। फ्लिप कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, तो दो दो यहाँ पर आ गए, तो ईजिली आप एडिट कर सकते हैं। एडिटर जो है वो बहुत ही फ्लॉलेस मतलब बिना कोई हिचकिचाहट अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। वैसे स्टिकर्स में देखिए ढेर सारे अच्छे अच्छे ऐसे स्टिकर्स है, आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट है, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं, उसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये सारा चीज़ डिटेल में दिया है टेक्स्ट के रिलेटेड भी। तो इसके बाद लास्ट में जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये, देखिए यहाँ पर एक तो लैसो है, मतलब फ्री फॉर्म में अगर आप ऐसे डालेंगे तो स्नैप टू शेप ऑटोमेटिकली वो कट कर देगा आपके लिए, वो आप अलग से रख सकते हैं, क्या करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, सेलेक्ट मैनुअली है, डीसेलेक्ट भी है। तो ये था, और उसके साथ आपको स्पॉट कलर मिलता है, ये तो पहले से है, तो ग्रीन का स्पॉट कलर चाहते ग्रीन और एरेजर लेके, बाकी अगर हमको नहीं चाहिए वो आप एरेज बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं मैनुअली। एंड एरेजर का ब्रश साइज भी यहाँ पर दिया है, तो बेसिकली डिटेल में इन्होंने अच्छी तरीके से इस सॉफ्टवेयर को अपडेट किया है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो अभी हमको कितना चाहिए उतना ही ग्रीन बचा है, राइट, तो ऐसे आप डिटेल में कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कलर मिक्स जो है बहुत ही अच्छा वर्क करता है। देखिए जस्ट कलर पिक कर लेते हैं, सपोज लेट्स से कि ग्रीन है, तो अगर एक ग्रीन का कलर हमने चेंज करना है तो देखिए यहाँ से बिल्कुल चेंज कर सकते हैं।
जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल इसका कलर चेंज हो गया है। सैचुरेशन भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं एंड यू ऑल्सो हैव दी ल्यूमिनेंस, मतलब ब्राइटनेस डार्कनेस कैसा है वो सारा चीज़ चेंज कर सकते हैं। तो ये था कस्टमाइजेशन। देखिए ढेर सारे फीचर्स है, तो क्विकली कोई भी फोटोस हो जल्दी से जल्दी एडिट करके भेजना है तो इन्हीं का फोटो एडिटर है सेपरेट से, अलग से आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। तो इतने सारे फीचर्स यहाँ पर सैमसंग देता है, तो बहुत ही अच्छा बिल्ट इन फोटो एडिटर मैं समझता हूँ, इसको आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। तो आप कौन सा फोटो एडिटर ऐप पसंद करते हैं वो कमेंट सेक्शन में हमको बताइए। तो ऐसे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करके बने रहिए इस चैनल पर। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।